जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बात करने वाला हूँ बाइबल में बताए गए एक ऐतिहासिक घटने के बारे में, जो कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने पर आधारित है। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी मनुष्य के उद्धार के लिए उस समय जबकि पाप इस धरती पर आया, और इस योजना के बारे में यशायाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं इस योजना के बारे में कि यीशु इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। यीशु ने इस योजना के पूरे होने का जिक्र भी किया है, क्योंकि यीशु ने अपने प्राण त्यागने से पहले ऐसा कहा था कि पूरा हुआ। ऐसा लिखा है कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्रूस पर यीशु का बलिदान परमेश्वर की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो कि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए था, हमारे उद्धार के लिए था। और जबकि ये घटना को बहुत परफेक्शन के साथ पूरा किया गया, तो इससे जुड़ी हर एक बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितना इसकी गहराई में जाएंगे, हम परमेश्वर को उतने ही करीब से जान पाएंगे। भाइयों और बहनों, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो ऐसा लिखा है मत्ती 27 उसके 50वें और 51वें पद में कि तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। तो आज हम देखेंगे कि क्रूस पर यीशु के प्राण त्यागने के साथ ही मंदिर के पर्दे का फटना जरूरी क्यों था, और ये घटना इतनी खास क्यों थी कि इसका जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। पुराने समय में पापों की क्षमा के लिए एक नियम होता था, एक दिन होता था, जो कि आप चाहे तो डिटेल से पढ़ सकते हैं निर्गमन उसके 26वें अध्याय में। उस समय जो प्रभु का मंदिर था यानी मिलाप वाला तंबू, उसमें दो भाग होते थे, एक पवित्र स्थान और फिर एक परम पवित्र स्थान, और उन दोनों के बीच में एक पर्दा लटकाया गया था जो कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग किए रहता था। जो पवित्र स्थान था उसमें दीवट यानी लैंप स्टैंड और मेज यानी टेबल और भेंट की रोटियां होती थी, और जो परम पवित्र स्थान था उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल और फूल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी जो मूसा को दी गई थी। जो पहला तंबू था यानी पवित्र स्थान, उसमें जो याजक होते थे यानी प्रीस्ट थे, जो वो हर समय प्रवेश करके प्रार्थना या उससे रिलेटेड कोई कार्य वहाँ पर कर सकते थे या संपन्न कर सकते थे, पर जो दूसरा हिस्सा था यानी जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, उसमें केवल महायाजक मतलब हाई प्रीस्ट, जो कि साल में एक बार, वर्ष में एक बार ही जाता था, और वह बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाता था। और वो जो पर्दा था उसके बारे में परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए थे, कुछ खास बातें थी उस पर्दे के बारे में जो उसे बनाने के समय परमेश्वर ने निर्देश दिया था। कैसा लिखा है, फिर नीले बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना। मेरे भाइयों, ये जो कलर जो मेंशन किया है वचन में परमेश्वर ने, जो खास करके कहा है नीले बैंगनी और लाल रंग, हम जानते हैं कि जो नीला रंग होता है यानी ब्लू, वो परमेश्वर का प्रतीक होता है, और जो बैंगनी कलर होता है वो राजस्व का, जैसे राज
पार्ट का एक प्रतीक होता था, और लाल रंग लोहू का यानी बलिदान का एक प्रतीक था। मेरे भाइयों और बहनों, याद करो उस वचन को जब यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। भाइयों, वो बीच वाला पर्दा यीशु का एक वर्चुअल इमेज थी, एक प्रतिबिंब था, क्योंकि जब हम उस पर्दे के कुछ डिटेल्स की तरफ गौर करेंगे, जैसे नीला कलर जो मैंने बताया, वो एक्चुअली परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक कलर था, और उन्हें आज्ञा दी गई थी इसराइलियों को कि ऐसा लिखा है, गिनती के 15 अध्याय उसके 38वें पद में ऐसा लिखा है कि इसराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। और जो बैंजनी कलर था उसके बारे में जब हम देखेंगे, मरकुस के 15 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है कि तब उन्होंने यानी उन सैनिकों ने उसे यीशु को बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा। भाइयों और बहनों, यहाँ ध्यान दो कि सैनिकों ने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। और जब हम मत्ती उसके 27वें अध्याय के 27वें पद में पढ़ेंगे, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसकी चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ ध्यान दो कि एक तरफ मरकुस कहता है कि उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया गया, और यहाँ मत्ती कहता है कि उसे लाल रंग का बागा पहनाया गया। जैसे अब हम देखेंगे, जैसे ही यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया, वैसे ही वो पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, आओ हम परमेश्वर के समीप जाएं। पर्दे का बीचों बीच फटना मात्र एक संयोग नहीं था उस भूकंप के द्वारा जो उस समय आया था, परंतु ये परमेश्वर की योजना थी कि हम यीशु के द्वारा उस परमेश्वर के पास जाए अपने पापों के प्रायश्चित के लिए और अपने उद्धार के लिए। और यही वो योजना थी, परमेश्वर का वो मेगा प्लान था कि उस पाप का खात्मा हो, सर्वनाश हो, जो कि जगत की उत्पत्ति से ही थी। और इसलिए भी यीशु को मलिकिसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए महायाजक का पद मिल गया, क्योंकि ऐसा लिखा है कि क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलिकिसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना सिर्फ हमारे पापों की क्षमा नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जो यीशु ने हमारे लिए खोल दिया, ताकि हम सीधे सीधे परमेश्वर के पास जा सके। अब हमारे और परम पिता परमेश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं है, और यीशु ही वो मार्ग है, वो द्वार है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज इस वीडियो को देखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि जो भी वचन का बीज आज बोया गया है, ये उनके हृदय में घर करने पाए, वे और भी करीब से तुझे जानने पाए परमेश्वर, तेरे वचनों का भेद तू उन पर प्रकट कर परमेश्वर, जो अंधकार है परमेश्वर तू अपनी ज्योति से परमेश्वर उस अंधकार को दूर कर दे, हम और पवित्रता के साथ तेरे महिमा को देखने पाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ।